हे गाइस, वेलकम टू गिज्मो टाइम स्लैश गेमिंग जोश। अब गिज्मो टाइम्स में ज़्यादा हम करने वाले हैं ऐसे गेमिंग रिव्यूज एंड एवरीथिंग। द वीडियोस वुड गो लाइव ऑन गिज्मो टाइम्स और गेमिंग जोश में रहेंगे हमारे लाइव स्ट्रीम्स मोस्टली। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं IQ9 SE को। SE इज द मॉडल विद Snapdragon 888 और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैं। और सब कुछ हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। और गेम पे देखना, आप देखना कितने फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ द फोन, वो सब बीच में आप देखते रहना। अभी टू बिगिन विद, दिस फोन इज हैविंग स्मूथ एंड एक्सट्रीम बैलेंस्ड एक्सट्रीम HD एक्सट्रीम HDR एक्सट्रीम एज द ऑप्शंस। यू ऑल्सो हैव अल्ट्रा HD विच इज अ गुड थिंग। अल्ट्रा HD कोई यूज नहीं करता, बट अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा HD में ना आपको एटलीस्ट एक आइडिया लगता है कि ठीक है, चिपसेट इतना कैपेबल है कि अल्ट्रा HD अनलॉक किया है ब्रांड ने। सो दैट इज वन थिंग टू कंसिडर। एंड 888 इज अ ओवरऑल वेरी गुड चिपसेट इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट फोन्स दैट आर कमिंग विद Snapdragon 888। तो IQ9 में 888 प्लस था, IQ9 SE में आपको Snapdragon 888 मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ गुड डील। बट क्या वो परफॉर्मेंस में इतना रिफ्लेक्ट करता है? पहली बात, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट दैट दिस डज नॉट हैव 90 FPS बाय डिफॉल्ट। अब थ्रू वन ऑफ द मेथड, थ्रू GFX और थ्रू कॉन्फिग, विल यू बी एबल टू गेट इट, वो अलग बात है। अभी के सिनेरियो में मैं वो सारे टूल्स रिकमेंड भी नहीं करता। आई वुड रादर से यू शुड गो विद व्हाट इज गिवन बाय डिफॉल्ट। 60 में कितना चलता है वो इंपॉर्टेंट है देखना। तो 60 में तो आई वुड से, मैंने एक स्ट्रीम भी किया है अपने गेमिंग जो चैनल पे, तो वहां पर आप देख सकते हो जाके। आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑन 60 FPS एंड दैट्स व्हाट यू विल बी सीइंग इन दिस वीडियो। चलो अब सीधा शुरू करते हैं। द रूम टेम्परेचर राइट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड वाज अराउंड 29 डिग्रीज। ये तो ऑलरेडी उल्टा मैं वीडियो बना रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, मतलब आफ्टर द क्लिप्स आर रिकॉर्डेड, मैं अब इसका इंट्रो दे रहा हूँ, तो टेम्परेचर 30 हो चुका है। बट फोन का टेम्परेचर वॉज अराउंड 37 डिग्रीज जब हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद 40 तक गया था थोड़ी देर खेलने के बाद। एंड आप क्लिप्स देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा टेम्परेचर था, कैसे इसके फ्रेम रेट थे एंड हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। हार्डवेयर ड्राइवर्स कभी कभी नहीं होते। अरे पीछे नहीं, बंदा नहीं, बॉट है। अरे बंदा है क्या वो भाई? उस तरफ देख, यहां पे नहीं देखा, आ गया एक। अरे मार दो उसको, आ जाओ। अरे इधर बंदा है, यार तो मेरा M4 माय M4 करके है। पीछे 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 नील क्या रे और मत। अरे मेरे को पता नहीं था बंद करेंगे। तो गाइस अभी 3-4 गेम तो हुए सना के, उसमें देख लो पहले टेम्परेचर। तो यहाँ तक इट हैज वेंट अप टू 44.5 व्हाइल द रूम टेम्परेचर हियर इज अराउंड 30.8। सो रूम पे ऐसे नहीं है कि बहुत ठंडा हो, बट द फोन इज हीटिंग अप सिमिलर टू जैसे आपने स्ट्रीम में भी दिखा था 44-45 डिग्री तो जा रहा था। सो वो जाएगा ही जब इतना इसको एक ही साथ लोड पड़ता है, इतने बंदे आसपास रहते हैं, इतना इसको रेंडरिंग होना पड़ता है, तो टेम्परेचर इज गोइंग अप। एक डिफरेंस ये है, अराउंड यही टेम्परेचर है, पक्का नहीं पता मेरे को, बट अराउंड यही टेम्परेचर पे द IQ9 वॉज रिड्यूसिंग द ब्राइटनेस टू कोप विद द ये हायर टेम्परेचर्स। तो अभी के लिए इसमें तो मुझे एक बार भी ब्राइटनेस लो होते हुए नहीं दिखा है,
एंड इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों ने बोला था कि इसमें आपको ब्राइटनेस को लॉक करना पड़ेगा, मैंने वो किया भी नहीं है, ओनली टू सी इफ इट स्टिल ड्रॉप्स द ब्राइटनेस, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। राइट नाउ इवन ऑन 44-45 डिग्रीज इट इज़ नॉट ड्रॉपिंग द ब्राइटनेस, विच इज़ अ गुड थिंग कि हैंडल कर पा रहे चीज़ें। शायद 888 और 888+ में वो एक डिफरेंस हो कि 888+ ना और भी ज़्यादा हीट होने का बाउंड रहता है, इसलिए वो लोग पहले से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बंदे ही बंदे, बंदे माते। माई गन योर गन मत कर, उठा के बंदे आसपास देख। भाई क्या हगम है, ओ पीछे बंदा आया, अरे मेरा किल ले लिया बंदा सामने वाला। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यही तो चाहता था मैं, तू मरे एंड मैं क्लच करूं, आ रहा हूं मैं। मेरा बंदा पे ऑटो पिकअप करते करते मरा बे। ची नौके छत पे, एक तो नौके, बाकी पता नहीं यही था या नहीं। आई थिंक ये बाप रे, एडीएस एडीएस को मिला ट्राई। बंदे 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 मिल, आई थिंक कोचिंग थी ना उसकी। चल फील कर रहा हूँ, मुझे बॉट ने नॉक दे दिया। घुस जा घर में घुस, मैं हिल कर रहा, मेरा हालत देख बिगड़ गया पूरा। एक ऑर्डर ऊपर, नहीं, तेरा वाला नॉक ऊपर गया होगा। हाँ हाँ तीनों तीनों थे यहाँ पे। यार 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 क्या लोग है रे, पीक क्या कर रहा था वो? ले रहा था उतने दूर से। ये देख, गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी में। अरे अरे आना, क्या बहुत मारा बहुत मारा, रुक रुक उसको पैन मार। अरे ये क्या, लोल भाई तेरे तेरे पे कोर्स तेरे को उसी मार के मेरे सामने रीलोड पे गया रे बेचारा।
सो गाइज दैट वॉज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द आईकॉन 9 SE. आपने हमारा बूट कैंप टेस्ट देखा जहाँ पे हल्के फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे एंड दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन और इवन iOS राइट नाउ, क्योंकि बूट कैंप ऐसा सिनेरियो हो चुका है जहाँ पे ना 30-40 लोग उतरते हैं तो देर आर रेंडर इश्यूज, देर आर फ्रेम ड्रॉप्स, देर आर लैग्स, देर इज एवरीथिंग दैट यू वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस देर. और फोन भी 45 डिग्री टच कर गया था उस वहाँ पे, बट ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं हुआ. दैट इज समथिंग दैट आई फेल्ट एज अ पॉजिटिव हियर ओवर द आईकॉन 9, क्योंकि आईकॉन 9 SE में अभी तक ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं है, विच मीन्स दैट ब्रांड ने ये सोच के रखा है कि एटलीस्ट यहाँ पर ना 888 हैंडल कर पाएगा चीज़ें. 888 प्लस में आईकॉन 9 में बार बार ब्राइटनेस ड्रॉप हो रहा था जब भी फोन ज़्यादा हीट हो रहा था, वो यहाँ पर नहीं हुआ अभी तक. एंड नेक्स्ट अबाउट द परफॉर्मेंस, आई लाइक द परफॉर्मेंस, स्टिल आई लाइक द परफॉर्मेंस, बट कॉम्पिटेटिव अगर आप खेल पाओगे या नहीं वो अभी के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा. ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट सीनारियोज ऑफ कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव लॉबीज अलग होती है जहाँ पे एंड जोन में ज़्यादा दिक्कत होती है. साइनहॉक बूटकैंप कैन नॉट एक्चुअली मतलब एक्जैक्टली कॉपी दी कॉम्पिटेटिव सीनारियो, बट साइनहॉक बूटकैंप में एटलीस्ट बंदे ज़्यादा होते तो वो आइडिया लगता है कि कितना यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है. अब उसके अलावा गाइज और एक बात ये भी है कि अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें 45 डिग्रीज तक जा रहा था, विच इज ओके आई वुड से. रूम टेम्परेचर 30 डिग्रीज, दिस फोन गोइंग टू 45 डिग्रीज, दैट इज स्टिल नॉट अ बैड डील. 49 तक जाते हुए देखा हमने फोन्स को एंड 45 तक ये फिर भी उसको पकड़ के रखा है. एंड द एंटायर गेम वॉज बींग प्लेड ऑन द मॉन्स्टर मोड, दिस इज द हाईएस्ट मोड, तो इसमें जितना पूरा कैपेबिलिटी था हमने उसको अनलॉक कर दिया है. उसके अलावा ई स्पोर्ट्स मोड है, वो सब हमने नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स मोड में करने वाला हूँ जब हम इसका कॉम्पिटिटिव गेम पे करेंगे, तब तक मैं उसको अनलॉक नहीं करने वाला हूँ. सो फार आई वुड से बेस्ड ऑन वॉट एवर आई प्लेड ड्यूरिंग माई स्ट्रीम ऑफ अराउंड 2 hours एंड देन फॉर अबाउट 3 hours ऑफ गेमिंग, तो टोटल ऑफ 5 घंटे खेला है उसमें मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ अभी के लिए, दैट आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ द आईकॉन 9 SE फॉर द प्राइस ऑफ लेस देन 40,000 rupees. दिस इज वन ऑफ द गुड डिवाइसेज विद 60 FPS. 90 नहीं है, आई एम स्टिल डिसअपॉइंट अबाउट द फैक्ट दैट 90 नहीं है इसमें, बट 60 FPS में इट इज एक्चुअली डूइंग क्वाइट अ वेरी गुड जॉब. सो दैट्स इट गाइज, फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू सब्सक्राइब टू गिज़्मो टाइम्स फॉर आर गेमिंग रिव्यूज, फॉर आर गेमिंग टिप्स एंड वीडियोज एंड ऑल्सो सम कंपेरिजन. बट अगर आप स्ट्रीम्स देखना चाहते हो, स्ट्रीम्स पे आके क्वेश्चन पूछना चाहते हो रियल लाइफ, तो आप जा सकते हो गेमिंग जोस पे जहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, सो इट वुड बी रेगुलर कंटेंट ऑन बोथ ऑफ देम, सो आपको उसके हिसाब से अब दोनों को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा. सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कीजिए गिज़्मो टाइम्स को. देखने के लिए धन्यवाद. लेट्स सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.